नमस्कार, इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। सबसे ज्यादा अपने क्षेत्र में विकास किए हैं बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में बैरिया विधायक सुरेंद्र सिंह ने बताया कि अपने क्षेत्र में सड़क नाली सबसे ज्यादा काम हुआ है। जो मैंने काम करा दिया, शायद कोई उत्तर प्रदेश में ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ होगा। मेरा यही लक्ष्य है कि जो जनता का कोई समस्या ना हो, उसकी समस्या का समाधान करना मेरी जिम्मेदारी है। कोरोना काल में अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार सेवा में लगे रहे और भंडारा कर रहे हैं। विधायक जी, आपके कार्यकाल शायद 3 साल होने जा रही है, और अपने क्षेत्र में किस तरह से आपने विकास किया, क्या क्या किया आपने? देखिए पत्रकार जी, मैं मेरे विकास और मेरे काम करने का 2 स्वरूप है। एक मानवीय पक्ष है और दूसरा भौतिक पक्ष है। तो मानवीय पक्ष में यदि आप विचार करेंगे तो पहला मेरा काम ऐसा है जो दुनिया को अनुकरण करने लायक है। मैं 452 गरीब बेटियों की शादी 452 गरीब बेटियों की शादी सरकारी योजना और समाज की योजना से संपन्न कराया है। इससे बड़ा हमारे जीवन में, मैं तो समझता हूँ कि मेरे राजनीतिक जीवन में इससे बड़ा कोई काम होने वाला नहीं। जहाँ जहाँ बेटियाँ शादी के लिए अपने जीवन में एक समस्या अनुभव कर रही थी, पिता जो है परेशानी महसूस कर रहा था, उसको एक सहज जीवन दे देना और मांगलिक जीवन में उसको बिल्कुल आबद्ध कर देना, किसी भी इंसान के लिए इससे श्रेष्ठ काम होने वाला नहीं। तो मैं तो कन्यादान यज्ञ से लेकर के अन्नदान यज्ञ तक किया, गरीबों की लड़कियों की शादी कराया। दूसरी तरफ जब महाविपत्ति की कड़ी में, चाहे वो बाढ़ हुआ, तो 29 दिन तक मैं लगातार लंगर चलवाया और उसमें लगभग 1,35,000 लोगों को भोजन करवाया। तीसरा, यदि कोरोना की महामारी आई तो सभी हमारे जो भी बंधु थे अपना शरीर बचा रहे थे, लेकिन मैं समाज बचा रहा था। कोई भी व्यक्ति आया मेरे दरवाजे पर, उसको भोजन की व्यवस्था मैंने किया है। 10-20 किलो अनाज, आटा, चावल दिया। लगातार 4 महीना ये मेरा कार्यक्रम चला है। तो मैं तो यही कहूँगा कि मेरा राजनीति का सुंदरतम जो पक्ष है, कन्यादान से लेकर के अन्नदान तक, ये श्रेष्ठतम काम है। उसके बाद जो भी काम है वो तो भौतिक जगत के काम है, होते रहते हैं। हम नहीं भी रहेंगे, नेता कोई नहीं भी रहेगा तो होता रहेगा, लेकिन यह जो तो काम है नेतागिरी से नहीं संभव है, ये संघ के संस्कारों से संभव है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं स्वयंसेवक हूँ, तृतीय वर्ष प्रशिक्षित हूँ। मुझे गर्व है कि मैं तृतीय वर्ष प्रशिक्षित संघ का कार्यकर्ता हूँ और उसी संस्कारों ने मुझको इतना अच्छा काम करने के लिए प्रेरित किया, मैंने किया है जी। तो क्या पुनः कोरोना काल तो सामान्य स्थिति में तो पुनः शादी कराएंगे? बिल्कुल, कोरोना जैसे ही खत्म होगा तो हो सकता है तुरंत मैं प्रयास करूंगा कि 65 रजिस्ट्रेशन हो भी चुका है, लेकिन मेरी मेरे जीवन की का प्रथम लक्ष्य है कि मेरे कार्यकाल में कम से कम कोई पिता अपनी जवान बेटी की तरफ देख करके निराश न हो, दुखी न हो। इसलिए मेरा लक्ष्य है कि मैं इस शादी को हर साल संपन्न कराऊंगा जी। जिस तरह और सरकार की योजनाएं कहाँ कहाँ तक अपने क्षेत्र में लाए? देखिए पत्रकार जी, सरकार की योजना की बात करें तो भ्रष्ट कर्मचारियों और कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के कारण मेरी नियत को भी पानी फिर जाता है। मैं तो विधवा, विकलांग और वृद्धा पेंशन के लिए चाहता था कि द्वारा में एक भी ऐसा व्यक्ति, पात्र व्यक्ति न बचे जो इससे लाभान्वित न हो, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्वयं के प्रयास से मैं लगभग 4500 फार्म भर करके DPRO और समाज कल्याण ऑफिस में जमा किया, लेकिन ये घिनौने कर्मचारी अधिकारी मेरे उस काम को, पवित्र नियत को भी कुछ है बिल्कुल वो कर दिए, नष्ट भ्रष्ट कर दिए। वो पूरा नहीं हो सका, मुश्किल से 2000 जो है पेंशन स्वीकृत हो चुका, केवल कर्मचारियों के जो है अविवेकपूर्ण रवैया और लोभी स्वभाव के कारण। तो मैं अपने तरफ से प्रयास करता हूँ, लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों की संवेदनहीनता के कारण मेरी पवित्र नियत को भी धक्का लगता है और हम सफल नहीं हो पाते। लेकिन उसके बाद भी मैं लगा हूँ। कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिस क्षेत्र में मैं विकास का काम नहीं किया हूँ। आप शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, तो शिक्षा के क्षेत्र में जो बलिया में आज तक कोई नेता नहीं कर पाया, परमात्मा ने मुझको श्रेय दिया है। राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण चल रहा है, राजकीय महाविद्यालय विज्ञान वर्ग का BSc MSc की पढ़ाई वाला विद्यालय बन रहा है, राजकीय इंटर कॉलेज नवरंगा में बनने जा रहा है। तो ये 3 संस्थाएं हमने
शिक्षा के क्षेत्र में लाई है जो अब तक किसी नेता ने नहीं लाया था, नहीं लाया था। तो ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उतना ही नहीं, अभी तो एक शिक्षा का क्षेत्र में आपको इंगित किया, अब चिकित्सा के क्षेत्र में ले लीजिए, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी हो सकता है कि उत्तर प्रदेश का मानक बनेगा। एक CHC पर मेरे तत्परता के कारण, एक CHC पर क्वेश्चन वर्षा पर 2019 में लगभग 1,13,000 लोगों ने OPD में जांच कर दवाई पी पाया है। शायद उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड होगा कि एक किसी हॉस्पिटल में इतने मरीज देखे गए हों, ये उत्तर प्रदेश का मानक ही मानक है। तो ये साधारण उपलब्धि नहीं है मेरी, केवल तत्परता का, और चिकित्सकों ने मेरा सहयोग किया। तो मैं उन चिकित्सकों को भी धन्यवाद देता हूँ कि जो मेरे क्षेत्र में इतना बड़ा गरीबों की सेवा करके मेरे मन को संतुष्ट किया, और अपने नेतृत्व को भी धन्यवाद देता हूँ कि मेरी भावना का आदर करते हुए जब जैसा मैं कहता हूँ वैसा लोग ये मानते। और भी यदि आप लीजिए, चिकित्सा का क्षेत्र हो गया, अब शिक्षा का क्षेत्र ले लीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पर हमारे आने के पहले एक एक हेडमास्टर जो है भ्रष्टाचार करके 15-15 विद्यालय चलाते थे, और सब जो है मिड डे मील योजना का पैसा हड़प जाते थे, बेसिक मिल करके, ABSA मिल करके, बेसिक शिक्षा अधिकारी मिल करके सब खा जाते थे। अब कल्पना करिए कि एक हेडमास्टर यदि 15 विद्यालय चलाएगा तो विद्यालय कैसे चलाएगा? इसका मतलब भ्रष्टाचार का आकंठ बोल वाला था। लेकिन मैंने आते ही आते एक विद्यालय एक प्रधानाचार्य प्रधानाध्यापक की पद्धति लागू किया, वो आज तक चल रहा है। मैं नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार में संपूर्ण दूर कर दिया हूं, लेकिन उसको दूर करने का प्रयास हमने किया है। अब ले लीजिए, ये आपका हो गया शिक्षा का क्षेत्र। आप अब तहसील का ले लीजिए। तहसील में मेरे विधायक बनने के पहले एक नापी पर 7,000, 8,000, 10,000 रुपए मांगते थे, खुलेआम मांगते थे, झगड़ा भी करते थे सब। हमसे भी एक बार झगड़ा हो गया था, इंटरमीडिएट कॉलेज के शिक्षक जगदीश पांडे जी थे, उनके नापी के लिए। आप कल्पना की मुकदमा भी हो गया था, ये परिस्थिति थी। लेकिन आज की तिथि में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं लेते होंगे सब, लेकिन अब डंका के चोट पर कोई घूस लेने की हैसियत में नहीं है, और तहसील में जो काम हो रहा है पहले की तुलना में अच्छा हुआ। अब यदि आप पुलिस में ले लीजिए, पुलिस विभाग में ले लीजिए, तो मैंने पुलिस विभाग में भी अमूल चूल परिवर्तन किया है, अमूल चूल परिवर्तन। हमारे यहाँ बलिया जिले में सबसे कमाऊ चौक पुलिस चौकी थी कोई तो चांदीगढ़ थी, 2,00,000 रुपए की रोज वसूली थी। यहाँ से 5,00,000 रुपया जयप्रकाश अंचल, उसके पहले सुभाष यादव, उसके पहले जो भी लोग रहे हैं, मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि सब लोग जो है जल कहीं ना कहीं से बात थे। लेकिन मुझे गर्व है कि मैं विधायक बनते बनते वहाँ की वसूली को बंद करा दिया, वहाँ की वसूली बंद करा दी। आज वहाँ 50 जहाँ सिपाही रहते थे वहाँ पर 5 सिपाही रहे, और कोई चौराहे पर दिखाई नहीं देगा, कोई नहीं देगा। तो ये मेरे सेवा का ये सुंदरतम स्वरूप है, कि चाहे वो शिक्षा हो, चिकित्सा। थाने में ऐसे ही जो है सपा के दलाल बैठा करते थे, आज दलाली प्रथा लगभग बंद हो गया। मैं नहीं कहता कि 100% में मैं ईमानदारी ला दिया हूँ, लेकिन घूस लेने वालों के मन में ये जरूर डर है कि कहीं सुरेंद्र सिंह जान जाएगा, विधायक जान जाएगा, तो घूस वापस करना पड़ेगा। मैं बहुत नौकरी किसी के नहीं लेता हूँ, लेकिन इतना जरूर करता हूँ कि डांटता हूँ और पैसा वापस करवाता हूँ, बेइज्जत करता हूँ। तो आप कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, अब आप विकास के क्षेत्र में ले लीजिए, रोड पुलिया के क्षेत्र में अब तक मैंने लगभग 53 रोड बनवाया है, बन रहा है, कुछ चल रहा है और कुछ बन के तैयार है, और उसमें लागत लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए की लागत से इतना काम मैं संपन्न कराया हूँ। ये मेरे 3.5 वर्ष से की राजनीतिक जीवन सेवा साधना का यही स्वरूप है, और मुझे भरोसा है कि आगे क्या भगवान करेगा नहीं करेगा। अभी कोरोना पीरियड में भी मैं तो सब लोग तो डर रहे थे, लेकिन मैं जो बोला अपने पारंपरिक इलाजों को, वो आज पूरा हेल्थ विभाग स्वीकार कर रहा है कि गर्म दूध में हल्दी पीजिए। मैं तो यदि शुरू में यदि सब पूरा भारत इसको स्वीकार कर लिया होता, गोधन और हल्दी और दूध, तो कोरोना बढ़ा ही नहीं होता। लेकिन जो विश्व स्तर के जो चिकित्सा क्षेत्र के बेईमान हैं सब, वो सब भारतीय अनुसंधान पद्धति को आगे बढ़ने ही नहीं दिए। यदि आयुर्वेद पर खोज हुआ होता आज 70 साल में, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज एलोपैथ की आवश्यकता होती ही नहीं। लेकिन बेईमानों ने इस क्षेत्र में शोध करने में कि हम चाहे पैरासिटामॉल 2 रुपए का बनाएंगे और 20 रुपए पर बेचेंगे,
ये संस्कृति जो हावी थी उस संस्कृति ने हमारे भारतीय चिकित्सा पद्धति को आगे बढ़ने नहीं दिया। मैं तो अपने श्रेष्ठ नेताओं से प्रार्थना करता हूँ कि भारतीय चिकित्सा पद्धति को आयुर्वेद पद्धति को यदि आगे बढ़ाया जाए तो स्वस्थ भारत, मस्त भारत, समर्थ भारत का कल्पना हम लोग साकार कर सकते हैं। मैं इतना ही कुछ जी, आपके एरिया बाढ़ क्षेत्र जो आता है, स्थिति अभी कैसी है? है? बाढ़ क्षेत्र की स्थिति अभी कैसी है आपके इलाके की? देखिए, बाढ़ क्षेत्र की स्थिति मेरी पहले की तुलना में 100 गुना अच्छा, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। पूज्य जोगी जी और डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह जी के प्रयास से, मेरी प्रार्थना पर उन लोगों ने जो गंभीरता से लिया, उसका परिणाम आज है कि आज मेरा जो है मेरा क्षेत्र आज बच गया है और एक भी आज कटान से कोई प्रभावित व्यक्ति नहीं है। पिछले साल तो बहुत लोग थे लेकिन इस साल कोई नहीं। जी, 1.5 साल के कार्यकाल में क्या क्या सोच अपने ग्राम समय अपने क्षेत्र में विकास करने के लिए? देखिए पत्रकार जी, 1.5 साल में विकास करने का जो एक सामान्य परंपरागत क्रम है वो तो हमारा विकास का क्रम चलता ही रहेगा। मैं तभी आपको एक चीज बताया ही नहीं कि पूरे प्रदेश में यदि सुंदर ढंग से राशन वितरण का काम सबसे बढ़िया होता होगा, यदि कोई मूल्यांकन करेगा तो मेरे बैरिया क्षेत्र में होगा। मैं गर्व के साथ कहूँ, माफिया था यहाँ एक विक्रम सिंह पूर्व विधायक, उस माफिया के गांव में राशन आज तक नहीं बटा, और उस गांव में मैंने राशन बटवा दिया। सब जो है खाद्यान्न माफिया था अनूद यादव, फतेहरा कटोला में राशन ही नहीं बांटता था, वहां बटवा दिया। वहां पर बिलहरी में सबसे बड़े डान थे, सब उनके राशन में बटा। तो कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिस क्षेत्र में मैंने सुधार का प्रयास नहीं किया है और मैं सफल नहीं हुआ, मैं सफल भी हूं। इसलिए मैं तो आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि इस काम में आप सब एक काम में मैं सफल नहीं हो पाया हूं। 200 बीघा जमीन वो माफियाओं ने कब्जा कर लिया है, 200 बीघा जमीन सुधीष बाबा के मेला की जमीन पर नाम चढ़वा लिया है वो माफियाओं ने। हम अभी जिलाधिकारी के संवेदनहीनता के कारण सफलता मुझे नहीं मिली है, नहीं तो उनसे ऊपर FIR होना चाहिए और 200 बीघा मेले की जो जमीन है वो खाली हो जानी चाहिए। जी, जिलाधिकारी जिसका जो रवैया उसके देखिए जिलाधिकारी पर कोई दबाव है? जिलाधिकारी का जो रवैया है उस उन्होंने अपने पद की गरिमा को घटाने का प्रयास किया है, अपने हाथों को कलंकित करने का प्रयास किया है। जिस 200 एकड़ की जमीन का घोटाला जहां हुआ हो और जिलाधिकारी चैन से बैठता है, इसका मतलब उसको जिलाधिकारी का कहीं से भी भान ही नहीं है कि मैं जिलाधिकारी हूँ। जी, तो आपकी क्या आगे की रणनीति होगी? मेरी आगे की रणनीति तय है, मैं कोरोना समाप्त होते होते मैं अपने जीवन को भी जोखिम में डाल सकता हूँ और जिलाधिकारी कार्यालय पर या पशु मेला की जमीन पर मैं भूख हड़ताल पर बैठूंगा और या तो अपने जीवन का अंत करूंगा और नहीं तो जो है भू माफियाओं से जमीन को छुड़वाऊंगा। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।